दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आ गई है। इसमें दिल्ली को देश की राजधानी और बेहद महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए इसका प्रबंधन केंद्र के पास ही रहने की बात कही गई है। इससे पहले CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम को कहा था कि केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है। क्या LG साहब केंद्र सरकार के अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं? सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने के फैसले की फाइल को मंजूरी न मिलने से नाराज दिल्ली सरकार ने LG पर निशाना साधा। पहले दिल्ली सरकार ने इस बारे में LG को पत्र लिखा, फिर दोपहर बाद प्रेस वार्ता की और LG के पास मंजूरी के लिए भेजी गई फाइलें वापस मांगी। इसके बाद सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी इमरान हुसैन और सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे को लेकर एकाएक LG से पूछने के लिए उनके आवास निकल गए, जहां फाइल को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही ये सवाल पूछे। LG इस दौरान नहीं मिले तो तकरीबन 1.5 घंटे तक दिल्ली सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री LG आवास के बाहर खड़े रहे। मंत्री जब थक गए तो वहीं जमीन पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों से LG के न मिलने पर नाराजगी जताई और LG से मिलने के लिए समय मांगा। हालांकि LG से मिलने के बाद मंत्रियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने सभी को अंदर बुलवाकर उनसे बातचीत की। मंत्री आदिशी ने बताया कि LG ने आशीष मोरे को हटाने की फाइल को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि अपनी बात पर कायम रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तबादला नियुक्ति को लेकर जो याचिका दी थी उसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि दिल्ली में तबादला नियुक्ति और सतर्कता विभाग चुनी हुई सरकार के अंतर्गत है, ये विभाग केंद्र सरकार या LG के अधीन नहीं। इसके बाद CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हमें दिल्ली सरकार के अंदर बड़े फेरबदल करने हैं। दिल्ली के काम रोकने वाले और जनता को परेशान करने वाले अफसरों को उनके पद से हटाकर उनकी जगह अच्छे अफसरों को लाया जाएगा। हालांकि इस बीच आशीष मोरे ने अपने मंत्री यानी सौरभ भारद्वाज के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोरे ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उन्हें बंधक बनाकर धमकी दी है, एक तरह से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा करार दिया है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश अदालत की अवमानना का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले के विरुद्ध गई। अदालत ने निर्देश दिया था कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चुनी गई सरकार को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र का अध्यादेश मोदी सरकार की हार का प्रतीक है। इस अध्यादेश को लाने का एकमात्र मकसद केजरीवाल सरकार से शक्तियां छीनना है। आतिशी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरती है। हम केंद्र के इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।